आज देखेंगे किस तरीके से हम लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं एरे का, और वो भी रिकर्शन से। रिकर्शन से हम एक एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूजर से। पहले एक एरे बनाते हैं, फिर यूजर से बोलेंगे कि आप जो है इसमें 5 नंबर एंटर करिए। तो एरे हम यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं 5 मेम्बरान का, और फिर प्रिंटफ दे देते हैं कि आप यूजर एंटर करें 5 नंबर, और फिर हम उसको स्कैन कर लेंगे फॉर के लूप में, एंटर 5 नंबर्स। उसके बाद इसको स्कैन कर लेते हैं, अब ये प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ नई चीजें आएंगी जो अभी तक हमने नहीं देखी है। फॉर के लूप से हम एंटर करा रहे हैं, इसमें कुछ एक स्टैटिक वेरिएबल भी ले लेंगे हम, और फिर हम रिकर्शन भी यूज करेंगे। रिकर्शन का मतलब यह होता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है। तो रिकर्शन खासतौर पे जब हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं या आपका फिबोनाची सीरीज, तो वहां पर रिकर्शन जो है, देखिए स्कैनफ से मैं ये वैल्यू ले रहा हूं, तो वहां रिकर्शन का बहुत योगदान है। ऐसे कई चीजों में रिकर्शन काम में आता है जब फंक्शन खुद को कॉल करे। तो अब ये एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा। एम्परसेंड करके हम एरे में 5 वैल्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको आज नई चीजें बताऊंगा इसमें प्रोग्राम में। तो 5 वैल्यू एंटर हो गई, आप क्या करेंगे, एक फंक्शन में भेजेंगे इसको, वैल्यूज को। आपको पता है कि फंक्शन में हम कैसे एरे को भेजते हैं, ये भी सीख लेंगे इसमें आज। तो हम फाइंड मैक्स करके एक फंक्शन बना लेते हैं, और उसके अंदर कैसे भेजेंगे, केवल हमको ARR भेजना है, इसका नाम ही काफी है, और उसके बाद मेम्बरान कितने नंबर्स हैं उतना भेजना काफी है। ये हम तरीका अपनाएंगे, और जब रिजल्ट आएगा वो किसी में प्रिंट करा देते हैं, किसी और में ले लें, MX में करा देते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास 2 वेरिएबल और आ गए, उनको भी हम यहां लगे हाथ डिफाइन कर देते हैं, I और आपका MX। ठीक है साहब, ये हो गया आपका बेसिक कार्यक्रम, बट मतलब प्रोग्राम, और बट अब जो असली चीज है वो आपके फंक्शन में आएगी। तो प्रिंट भी करा देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके इसी में मैं एडिट कर देता हूं, प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर परसेंट D और MX कर देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन, लेकिन असली मेन फंक्शन हो गया, असली फंक्शन यहां पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप, क्योंकि रिटर्न टाइप हमने यहां रिटर्न लिया हुआ MX में, देखिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम हमारा फाइंड MX है। हमेशा ध्यान रखिए फंक्शन का नाम कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि लिखने में गलती होती है, फिर आप एरर ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए हमेशा कॉपी पेस्ट करिए। यहां पर क्योंकि एरे आ रहा है तो आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, अब वही नाम रख देते हैं ताकि थोड़ा एक जैसा लगे, अदरवाइज आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि साइज भेजा है तो हम उसको साइज में रख देते हैं। यहां से हमने साइज भेजा ना 5, तो साइज में रख देंगे। चलिए, यहां पर मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूं, देखिए उसको स्टैटिक दे रहा हूं। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है, और इनको मेमोरी की स्पेसिफिक जगह में रखा जाता है। देखिए 2 जगह होती है, एक हीप और एक आपका प्रोग्राम वेरिएबल्स के लिए एक अलग जगह होती है। तो ये कहां रखा जा रहा है, जो हम टेम्पररी वेरिएबल यूज करते हैं ना, वो किसी और मेमोरी में रखे जाते हैं, और जो हम स्टैटिक रखते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम में चलेंगे, इसको हम कहीं और रखते हैं, तो स्टैटिक का यहां यूज आता है। अगर आप स्टैटिक C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरमेंट में देखेंगे, तो वहां तो उसको इनिशियलाइज 0 से किया जाता है, और वो जो है उसको स्टैटिक बनाते ही, वेरिएबल को स्टैटिक बनाते ही वो पूरा क्लास वेरिएबल बन जाता है। खैर वो आउट ऑफ स्कोप है अभी, तो एक मैक्स लेते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, कितना भी बड़ा दे दें, अभी हम ज्यादा बड़ा लेंगे नहीं, इसलिए -999 दे देते हैं इसे,
और अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इफ जो आई है, क्योंकि 0 9 999 के बीच में हम चलेंगे, इफ आई इज जो जो आपका साइज है ये जो आ रहा है ना, इफ जब तक हम इसके 0 से लेकर साइज तक बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 4 तक एक्चुअली, तो हम 5 मेंबर की तरफ जाएंगे, एक एक मेंबर को चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमारे काम का तरीका होगा इसमें। लेकिन इसमें खास बात ध्यान हमें ये देनी है कि हम इसमें रिकर्शन यूज करेंगे। तो अब यहां पर क्या लिखना है हमें, इफ, क्योंकि मैक्स तो अभी ये है, तो इफ तो अगला नंबर जो आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, इफ मैक्स इज लेस देन। अब देखिए यहां तो हमारे पास एरे की वैल्यू वैल्यू लेनी है, एरे की वैल्यू लेने का तरीका मैंने जैसे आपको समझाया था, आप क्या करिए जो एरे का नाम है प्लस आई कर दीजिए, जो ऊपर से आई आ रहा है आई, क्योंकि हम प्लस प्लस कर देंगे आगे, और यहां पर इसका स्टार लगाएंगे तो वैल्यू एट आ जाएगा ये। और अब इसके अंदर अगर ये आपको बड़ा निकल गया वो तो पहली बार में तो निकलेगा निकलेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू इससे तो बड़ा ही होगी, तो अगर ये ऐसा है तो हम यही चीज उठा के इसमें असाइन कर देते हैं। तो जब भी बड़ा वैल्यू मिलती रहेगी ये मैक्स चेंज होता रहेगा और हमेशा इसमें मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और इसके बाहर निकलते ही हम यहां पर इसको आई प्लस प्लस कर दें। हर बार आई भी तो बढ़ाना है, हर बार एक एरे का वो बढ़ाना है, और फाइनली हम क्या करेंगे यहां पर इस जहां आई प्लस प्लस किया है वहां पर हम दोबारा इसको कॉल कर देंगे इसी चीज को, फाइंड फाइंड मैक्स को। तो इसे उठा लेते हैं, तो यहां पर फाइंड मैक्स ए आर आर कॉमा यहां पर जो आपका साइज ऊपर से आ रहा है क्योंकि फंक्शन है ना, यहां पर ले लेंगे, और फाइनली जब ये काम हो जाएगा तो हम यहां कर देंगे रिटर्न मैक्स, क्योंकि अब मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, हर बार ये चेंज होती रहेगी, जैसे मैक्सिमम मिलता रहेगा यहां चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो ये छोड़ देगा ऐसे। तो ये हुआ तरीका आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक एरे में, और एरे की पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से निकलती है, और मैक्स को हमने इतना दे दिया है कि पहली बार में तो इसको ये असाइन हो गई होगा, और हर बार देखिए कई प्रोग्राम में आपने दिखा होगा कि मैक्स को पहली वैल्यू असाइन कर देते हैं, एरे की पहली वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, इसको देखते हैं कोई एरर है तो उसको ठीक करते हैं। चलिए पहले नंबर डालते हैं, 45 को रैंडम नंबर डालें, तो आपने देखा ये क्योंकि गेट सीएच नहीं लगाया था, मैं दोबारा चला देता हूं इसको, 5 नंबर के बाद रुक जाएंगे। लार्जेस्ट नंबर 65, देखिए इसमें 65 लार्जेस्ट आ गया। तो ये तरीका हुआ आपके मैक्सिमम निकालने का रिकर्शन से। धन्यवाद, शुक्रिया।